और जो यहाँ पे 20 मिनट पहले है, क्या कंट्रोलिंग था भाई, विक्रमशिला को खड़ा कर दिया गया, उसके बाद पाटलिपुत्र था उसको खड़ा कर दिया गया, अनन्या को साइड में ओवरटेक, मतलब क्या ओवरटेक था भाई। फिलहाल अभी मैं न्यू दिल्ली में हूँ दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आज जो है ट्रैवल कर रहे हैं रांची राजधानी में, यार बहुत दिन से इच्छा था वो राजधानी में करूँ जो राजधानी लीड करता हो, फाइनली मौका मिल गया रांची राजधानी में ट्रैवल कर रहे हैं। अंदर जाएंगे यहाँ से, सामने प्लेटफॉर्म पे आई थिंक 14 या 15 पे होगा, वो जाके बताता हूँ मैं आपको। चलो भाई जर्नी करते हैं राजधानी एक्सप्रेस में। इसी 2 टायर आगे तरफ है हॉन्किंग बा वाले लोगों को देख के बुक किया हूँ। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गैस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आउट बिकॉज नॉट इज पॉसिबल। बोलने में जोश आता है और मैं ही पीछे हटता हूँ सब बोल बाल के। चलो देखते हैं कैसा होता है भाई। सो यही है राजधानी भाई साहब, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस मंडे और फ्राइडे को चलती है 4:10 पर नई दिल्ली से, और 9 के आसपास आप पहुँच जाएंगे रांची। तो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मैं पागल हो रखा था यार, मुझे करना था। और ये देखो स्वर्ण रेख का इंटीरियर कितना खूबसूरत है यार, बोर्ड लगा हुआ है एकदम, मैंने आगे का कोच लिया खाली देख के चक चक कर रहा है कोच, पर वो स्वर्ण रेख नहीं है, पर ठीक है वो देखो अंकल जी को। ओह भाई साहब महान है, काश मेरे को 49 मिला होता, मैंने तो दिया था लोअर पर दिया नहीं उन्होंने 49। जो भी है सप्ताह में 3 आपको गरीब रथ मिलेगा, बाकी जो भी है राजधानी है। तो यही है भाई साहब वो ट्रेन जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, और लोकोमोटिव 30654 पापा होंकर है भाई, ये हॉकिंग आपको यादगार रहेगा। तो बस न्यू दिल्ली काफ़ी खूबसूरत। आप रे भाई साहब ये हॉकिंग तो पापा लेवल निकला है यार, क्या श्री लास्ट में स्टिंग बजा रहे हैं एलपी साहब। प्रमी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर जर्नी के टाइम पे, भाई साहब को बोले हैं तुरंत तो छोड़ो सर चलो मेरे साथ। कोई बात नहीं है, मेरा फेवरेट ट्रेन है, तुरंत तो फेवरेट है भाई साहब का। चलो ठीक है भाई, टाटा भाई। हम भी थोड़ा आगे चले हैं। कौन सा ये ट्विटर मारते हैं टाटा भाई। फाइनली गाड़ी डिपार्ट कर गया भाई साहब, पूरा डॉट 4:10 पे नहीं, विश्वास मानोगे भाई, प्लेटफॉर्म पर आके लोगों देखा, फिर आईफोन में टिकट नहीं बुक कराओ, फिर लॉन्च में किया, वहाँ जाके भाई साहब दूसरा फोन से बुक किया, कट टू कट्टा पर मजा आया, वर्थ इट था, इट्स टोटली वर्थ इट भाई। मतलब ये हॉकिंग सुन के पूरा रास्ता बजा दे एलपी साहब तो मजा ही आ जाए, और लीड करने वाले राजधानी गैंग को भाई साहब दैट्स इट। चलो गेट बंद कर दे भाई साहब, बहुत खतरनाक इलाका है ये। यहाँ हम लोग का इवनिंग स्नैक्स लग गया, क्वालिटी मेंटेन किया गया, कितना अच्छे तरीके से लग रहा है यार। आपको रांची जाने के लिए टोटल 3 राजधानी है, ये तो जिससे मैं जा रहा हूँ ये भाई साहब 17 लगा रहा है ऑलमोस्ट, ये वाया बोकारो सिटी जा रहा है तो ये कोडरमा होते हुए निकल जाएगा भाई साहब। और जो वाया डाल्टनगंज है भाई जो देहरियों से उनसे कटता है वो फास्टेस्ट है भाई, मतलब आप समझ रहे हो वो 16 में पहुँचा दे रहा है और ये 17 ले रहा। और एक तो नया रूट निकाला गया था वाया चोपन था, वो मुगल सराय टच नहीं कर रहा वो जबकि स्लोएस्ट है, तो नया ट्रेन स्लो निकाला गया, ठीक अलग बात है उस रूट में राजधानी जा रहा है खुशी का बात है वो, पर स्लो है वो उसी जगह पे गरीब रथ। और इसका मजा ये है कि सबसे आगे गैंग है सारा राजधानी का, मतलब इसके पीछे का सिक्वेल हो गया डिब्रूगढ़, फिर सियालदह, फिर हावड़ा, फिर भुवनेश्वर और फिर पटना। अच्छा स्पीड है, होंकर भी एक नंबर है, और आपने जो पैरल देखा जीटी के साथ, अभी आपको इवनिंग स्नैक्स मिलेगा, एक पानी का बोतल तो दे दिया गया। ओ भाई साहब एक्चुअल, चलो गाजियाबाद की देखते हैं उसके बाद थोड़ा सा अच्छा निकाल, कानपुर से पहले आपको डिनर मिल जाएगा,
आई थिंक आ रहा होगा उनकी, थोड़ा कांच टूटा फूटा है यार। अच्छा इंटीरियर में देख लो भाई साहब, पहले बोलना मैं, टू टायर में एक चार्जिंग सॉकेट है, अपर बर्थ पे भी है, हर बर्थ हर पैसेंजर के लिए चार्जर है भाई साहब, चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा आपको, और वहाँ LED लाइट है। ठीक है सर जी, बारिश हुआ है, बड़ा हैरानी का बात है इधर बारिश हुआ है, और दिल्ली साइड में जहाँ न्यू दिल्ली साइड में तो कुछ है ही नहीं बारिश का, तो पता। ये मेरा इवनिंग स्नैक्स है, चना है एक्चुअली कोटेड है, वही नॉर्मली है, और यहाँ पे भेलपूरी है, ये सोन पापड़ी है, पैटिसा है, और यहाँ सिंघाड़ा मिला है, और यहाँ वाघ बकरी का प्रीमियम आसामती। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ आपने देखा होगा ये पेपर स्ट्रॉ है, मतलब आपको मालूम 1 जुलाई से तो प्लास्टिक बैन हो चुका है, उसके लिए उन्होंने दिया होगा, ये भी जल्दी पूरे तरीके से बैन हो जाएगा, अगर या तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होगा। वैसे मेरे लिए भाई SER का रेपो बहुत ख़राब है, मतलब मेरे हिसाब से SER ख़राब है, पर यहाँ पैकिंग जिस तरह से किया है बहुत अच्छा लगा देख के। देखते हैं क्या क्या दिए भाई साहब, घपला तो किए होंगे मे भी। ओके टॉवल लिए इन्होंने, टॉवल हटाया नहीं है, वैसे भी टॉवल आजकल कुछ ज़्यादा साइड कर देते हैं, सबसे ज़्यादा गायब यही चीज़ होता है, इसीलिए वो आराम से देख के नंबर लिखते हो, पर ठीक है इन्होंने दिया, मैं भी राजधानी का क्लास मेंटेन किया है इसलिए, चलो जो भी है इसको आराम से फटाफट बिछाते हैं। यह है रियल राजधानी, रांची राजधानी, जो स्वर्ण रेखा है, ऐसा पेंट करके रखा, मैं आपको अपना कोर्स भी दिखाऊंगा जो काफी नया है, मैं उसको स्वर्ण रेख में नहीं गिनता हूँ, तो ये ठीक है, थोड़ा सा कलर अजीब है पर साफ सफाई ठीक है यार, एटलीस्ट राजधानी जैसा लग रहा है, और बोलते हैं ना स्मेल भी गंदा नहीं कर रहा, ये चीज के मैं खुश, यही है पानी तो आ ही रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं, लिक्विड से भरा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है।
6:20 हो रहा है और मुझे यहाँ डिनर मिल गया। दाल है, पनीर है, वेज खाना मुझे भाई साहब, राइस है, दही है और पिकल है। और यहाँ मुझे अच्छा लगा, उन्होंने सॉल्ट दिया बिना मांगे दिया हमने, और परोठा है जो कि मैंने गलती से फिर खोल दिया, मुझे खाना पड़ेगा ये। इसको फटाफट कंप्लीट करते, लास्ट में टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। फिलहाल मैं अभी डिनर कंप्लीट कर रहा हूँ और ये देखो भाई साहब, हम लोग पनकी धाम पहुँच गए, मतलब ऑलमोस्ट कानपुर पहुँच गए। और यही रीज़न होता है जब आप हानी में ट्रैवल करते हो, जो गैंग को लीड करता है तो ऐसे ही भागता है वो भाई साहब। मज़ा आ गया है, अब फटाफट डिनर कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलते हैं और कानपुर में मिलूँगा सीधा। तो भाई साहब कानपुर आ गए, क्या बढ़िया रन था यार, मज़ा आ गया, रन परफेक्ट। और 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे बस भाई साहब, 8:55 पे अराइवल था, 9 बजे का डिपार्चर था। ये है रियल राजधानी भाई साहब, ओरिजिनल राजधानी स्वर्ण कोच जिसको रेलवे का इनिशियल था। तो यार क्या खूबसूरत बनाया हुआ है यार, इसको स्वर्ण कोच है ये, और ये अपना पुराना है। तो यही है कानपुर, तो बोलते हैं हम लोग लेडर सिटी ऑफ द वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। टेक्सटाइल लेके बोलो, लेदर का काम होता है। सुबह आए थे यहीं से, गए भी यहीं से जा रहे हैं, तो गोरखपुर होते हुए आए थे। इस बार टूअर्ड्स हम लोग जाएंगे प्रयागराज होते हुए, तो ये प्रयागराज स्किप मार रहा है वैसे भाई साहब। कानपुर से निकलेंगे सीधा हम लोग मुगलसराय, आफ्टर मुगलसराय डेरी ऑन सोन गया, फिर आपको कोडरमा, गोमो में स्किप है इसका क्योंकि क्रू इसका चेंज जो है बोकारो स्टील सिटी होता है। आफ्टर बोकारो स्टील सिटी हम लोग सीधा मुरी जाएँ, मुरी स्किप करते हुए रांची पहुँच जाएंगे, बस यही है। तो खाना का रिव्यू मैंने नहीं दिया, खाना काफ़ी अच्छा था। ऐसे उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी बड़ा शहर है भाई साहब, बगल में लखनऊ और ये फिर कानपुर चैनपुर। क्या यार, गाड़ी खुलते खुलते चैनपुर, यू देखो यार गाड़ी, मतलब पीछे से गार्ड साहब ने ब्रेक लगाया है तभी एलपी साहब ने हॉर्न ले दिया, और वहाँ लोग उतरना शुरू हो गए 3 टायर। क्या यार, जानते सिग्नल हो चुका है, गाड़ी डिपार्ट कर चुका है, फिर निकलेंगे फिर दौड़ेंगे, रिस्क से लोग लाइफ का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है इनके लिए। छोड़ो हटाओ, प्रेशर रिलीज हो गया, ये हॉकिंग के लिए पागल हूँ मैं। चलो अब यहाँ से सीधा तो मुगलसराय ही है। वैसे एक चीज और बताना भूल गया, राजधानी जो है ज़्यादातर 4-5 पे ही आया करता है, 4-5 इसी तरफ में आता है क्योंकि समझो भाई साहब। और आइसक्रीम मिलता है भैया, ये मत पूछना कि अरे भैया आइसक्रीम नहीं दिखाया यार, आइसक्रीम नहीं मिलता क्या रांची राजधानी में, तो ठीक है मज़े डेयरी का आइसक्रीम मिला वेनिला चलेगा।
सो ये मुगलसराय आ गए भाई साहब, क्या बकाया है यार, क्या बकाया है। मैं आज नहीं उतर रहा हूँ मुगलसराय, ऐसा मत सोचना कि आज भी पीस भी है मुगलसराय उतर जाएगा, बिल्कुल नहीं। रांची में जब करीब रत में किया, मैं सोचा उसके बाद तो मैं इसमें करूँगा ही करूँगा, मुझे रन देखना है। और क्या भगाया, 1:12 पर अराइवल था, 1:22 पर डिपार्चर था, 10 मिनट का ही हॉल्ट। टाइम देखो कितना था यार, 12:47 हम लोग बाहर क्रॉल किए भाई साहब, मतलब इतना गाड़ी बिफोर हो गया था, सोचो भाई, नहीं तो हम लोग यहाँ 12:30 में घुस जाते भाई साहब, 40 मिनट बिफोर, 40 मिनट। अरे यार बवाल था। अब प्लेटफॉर्म देखो, भाई साहब मुगलसराय आ गए, 1:12 का अराइवल था, 1:22 पे डिपार्चर था, और टाइमिंग देखो यार, हम लोग यहाँ पे 20 से 25 मिनट पहले आए। बस भाई मुगलसराय आ चुके हैं DDO कोर्ट तक। भाई आउटर पे हम लोग कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट पहले बिफोर थे, और जो यहाँ पे 20 मिनट पहले आया, क्या कंट्रोलिंग था भाई, विक्रमशिला को खड़ा कर दिया गया, उसके बाद फिर आई थिंक पाटलिपुत्र था उसको खड़ा कर दिया गया, अनन्या को साइड में ओवरटेक, मतलब क्या ओवरटेक था भाई। यहीं से स्टार्ट होता है। मेरा तो जोश इसलिए आई हो गया ओवरटेक देके भाई, नींद गायब हो गया मेरा, और मैं तो सो भी गया था यार 20 मिनट के लिए, कैमरा हाथ में लेके सो गया। बस वो हैंग गॉड ऊपर वाला बंदा था, बोला भैया आपका फ़ोन चालू है, कैमरा चालू है, बोला अरे यार, उसके बाद देखा तो फिर बंद किया। बवाल था भाई साहब, मेरा एक्सपीरियंस इसका भयंकर था। आज उतरूंगा नहीं, हॉन्कर जो है ना भाई, गाजियाबाद को सैल्यूट है भाई साहब, क्या क्या हॉन्कर रखा है भाई। अब मेरे दोस्त बता रहे थे नॉन हॉक था, मतलब नॉन हॉक क्या था, पुराना लोगो था, उसको लोग मॉडिफाई करके न्यू बना दिए हैं, तो बस अब राजधानी के साथ घूम रहा है। बोला देखो साफ सफाई एकदम टॉप नॉच का है, स्मेल भी बढ़िया कर रहा है यार, अच्छा लगा यार, बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखा उन्होंने, थैंक गॉड भाई साहब। और ये 3 प्लेटफॉर्म यूज़ होता है मुगलसराय से ले रहे हो भाई, तो ये 3 है, 1, 2, 3, दैट से फिक्स दे एकदम, इसके ऐसा नहीं है कि 4, 5 पे फिक देगा, राजधानी है भाई साहब, इसका इज्जत है। चलो सो फार सो गुड। Listen.
सो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं भाई साहब डेडियों सोन डी ओ एस कोडे, और यहाँ पर टाइम था भाई 2:30 का और 2:32 पे डिपार्चर है। थोड़ा सा धीरे बोला क्योंकि सारे लोग सो रहे हैं, और भाई साहब मात्र 2 मिनट का ऑल टाइम हो गया 10 मिनट ही ले। क्या पकाया क्या यार, क्या बढ़िया रन था, ढेसा था, इसलिए थोड़ा सा समझो खेला हो गया। और ये पलामू एक्सप्रेस है जो कि बरका खाना से चलती है, तो मस्त, मतलब ये भी बरका खाना जा रही है आई थिंक, इसका एक रिवर्स होकर फिर निकल जाएगा। चलो भाई साहब 2 मिनट का हॉल्ड लेके गाड़ी निकल पड़ी डेरी ऑनसून से, तो मैंने कुछ सामान ऐसे फेंक फाक कर सोया। तो हम लोग चंद्रपुरा आ गए भाई साहब, गाड़ी ऑन टाइम ही है, लेट नहीं है, सही है। 6:56 का 2-3 अलार्म लगा के रखा था, मालूम पड़ता मैं बोकारो के आगे चला गया भाई साहब, क्योंकि देखो भाई लास्ट लेग पे तो नहीं होता ना, मतलब पूरा आप जो घूमने निकले हो होता है भाई, आप हर ट्रेन में रात को जा रहे हो तो फिर लास्ट में मोमेंट में तो लगता है कि सब डबा डोले भाई साहब। तो वही हाल था, मैंने अलार्म लगाया था, चेक किया कोडरमा, सोचा था कोडरमा में मे बी ओवरटेक हुआ होगा, क्योंकि हम लोग अभी गोमो से निकल के चंद्रपुरा आ रहे हैं और वहाँ से अलर जाने धनबाद पहुँच चुका, तो कोई बोलेगा 130 था, मैं भी हो सकता 130 था, इसलिए जल्दी पहुँच गया वो, पर ठीक है। और हम लोग चंद्रपुरा स्किप कर रहे हैं। ये भी रूट कितना खूबसूरत लग रहा है यार मानसून के टाइम। आप अगर बोकारो स्टील सिटी जा रहे हो इस ट्रेन से तो आपको मॉर्निंग टीम मिलेगा, आप उठ गए तो ले लेना, नहीं उठे तो भाई छोड़ देना, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ भाई। भयंकर खूबसूरत लग रहा है वो मंदिर यार, पूरा एकदम वाइट वाइट चमक रहा है उसका मार्बल। को जाकर सिग्नल मिल चुका है फाइनली, और क्या बोलूँ, मतलब क्या लग रहा है ये रूट, मतलब जब उस समय रांची शताब्दी के टाइम पर आया था उतना मतलब खूबसूरत नहीं था, बंजर टाइप का लग रहा था, पर अभी मानसून के बाद देखो यार हाँ। अब इसके बाद सीधा हम लोग बोकारो पहुँचेंगे। मैं इससे रांची आना चाह रहा था पर वही बोला ना, फिर रांची उतर गया मेरे को, वहाँ से फिर वही शताब्दी लेना पड़ता, वो भी 2 बजे के आसपास है और 9 बजे मैं घर पहुँचता, फिर तो ऑफिस का तो हो गया भाई सब बैंड बजा। टुक्का डिया, टुक्का डिया, क्या मस्त लग रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, पूरा हरियाली भरा हुआ। मानसून टाइम पर कहीं पर भी आप जाओ घूमने हर जगह खूबसूरत लगेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मतलब इतना झमेला किस चीज़ का हुआ था, तो
रात भर ऐसे ही सब गेट्स और ब्लॉक थे, इसलिए मैं उस तरफ से ज़्यादा वीडियो नहीं ले पा रहा था, उधर भी था तो जहाँ तहाँ से भागा दौड़ी कर करके वीडियो लिया जा रहा था। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब मेमोरेबल है, याद रहेगा। इसका फेयर क्या पड़ेगा अगर आप इसे जा रहे हो, ये वाया बोकारो स्टील सिटी से, 3 टायर 2900 है। इसमें जाओगे तो भाई 3950 के आसपास लगेगा, और वही फर्स्ट इसी में जाओगे तो 4900। तो गैप तो है भाई इसका फर्स्ट एसी में, मैंने करंट में भी देखा था तो फर्स्ट एसी और टू टायर में अच्छा खासा गैप था। सामान देख ले, कुछ छोड़े नहीं है, आई थिंक सब ले लिए हैं, छूटा तो फिर खत्म सब, इस तरह से कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है भाई साहब, बावल जड्डी रहा इस पे। हाँ सर जी, बस आ गया हमारा डेस्टिनेशन, आ गया भाई साहब एकदम, गाड़ी डॉट टाइम पे आई है, तो इसको बोलते हैं बवाल जर्नी। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, होगा चलो चलो सर जी, चलो भैया लोग से मुलाकात हो गया, मज़ा आ गया। यही है 2040, ट्राई करो यार, रेल फैन हो तो ट्राई करना बनता है भाई, रात भर तो भाई दो बार RPF साहब पकड़े गेट पे, बोले अरे यार आपको सोना नहीं है, 2 टायर में पैसा लिया रात भर जा रहे हो, बोला सोऊंगा सर पर कुछ वीडियो ले लूँ। और जो टुवर्ड्स न्यू दिल्ली जा रही है वो 20839, ऑफकोर्स आप समझ रहे हो अप एंड डाउन वाला कहानी है। बस चलो अब यहाँ से उठना शुरू करते हैं, फिर बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा बाहर देखे कुछ कॉफ़ी वॉफी मिल जाए। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस तो क्या था मेरे लिए इसका, ये जो लीड करते हुए जिसको सिग्नलिंग देखने को मिल रहा था, मैं गेट से जब उतर के गेट से जब मैं गोल के देखा कर रहा था, पूरा ग्रीन, जहाँ तक नज़र जा रहा था वहाँ तक ग्रीन, बोकारो स्टील सिटी भाई साहब। 5 मिनट होते ही गाड़ी हॉर्न मारेंगे, चल देंगे, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, पर नहीं यार, भी पॉजिटिव कुछ नहीं छूटा है, नॉट कोरोना पॉजिटिव भाई साहब। वैसे ये रांची जो है 9:05 पे पहुँच जाएगा, यानी ज़्यादा टाइम नहीं रखोगे, घड़ी काल देख रहे हो भाई, फॉग हो रखा है यार, इतना चिल्ड बना के रखा था उन्होंने, अच्छा था। बोलना तो ऐसे नहीं चाहिए, पहाड़ी इलाका है ये, बस अच्छा, पर विंटर का वाइब्स आ रहा भाई साहब, तिरंगा ही नहीं है, कोई बात नहीं। चलो लॉग इन करते हैं भाई साहब। सो विद दैट्स इट बॉस, इफ यू लव दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मासल मामा, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड जस्ट डू इट, अगर कुछ भूल ना हो तो माफ़ करना, टाइप करके बता दिया हूँ, मेरे ख्याल से सब मैंने बता ही दिया। और ये चींटी तो बड़ा भयंकर है यार, इसको फेंकना होगा भाई साहब। पॉजिटिव ठाक बोले भाई, थोड़ा बंगाली बोल लेता हूँ, टूटा फूटा बोलता हूँ।